नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। सरकार ने अनलॉक टू की प्रक्रिया चालू कर दी है। अनलॉक भी चालू हो गया है, सारे काम सबके काम घूम तकरीबन चालू हो चुके हैं। रोड पे घूम रहा हूँ, रोड पे गया हूँ तो मैंने ज़्यादातर देखा है लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। ई रिक्शा वाले चार चार सवारी, पांच पांच सवारी, आरटीवी वाले पूरी भर के लेके जा रहे हैं, ग्रामीण सेवा वाले पूरी तरह से भर के लेके जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं दिखाई देते हैं कि थोड़ी दूर जा रहा हूँ भाई, मास्क किस लिए। दोस्तों, अनलॉक हुआ है, कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। आज मैंने देखा 24,000 के आसपास केस आए, तो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट भी हमारा अच्छा है, भारत का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, डेथ रेट माना जाए तो बहुत ही कम है। अभी हमें इसे बढ़ाना नहीं है, आपको अपनी सेफ्टी रखनी है। दोस्तों, घर से निकलें, चाहे दो कदम के लिए निकलें, चाहे बगल की दुकान पे जा रहे हैं, मास्क लगा के ज़रूर जाएं। ये मास्क ही है, कोरोना को हराने का हथियार मास्क है केवल। बिना मास्क के आप जा रहे हैं तो अपने आप से, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपनी ही नहीं अपने परिवार की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, जब भी आप बाहर निकलें तो ये मास्क है ना, इस मास्क को लगा के घूमें, इस मास्क के बिना ना निकलें। ये मास्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको कोरोना की जंग जीतने के लिए। आप इस मास्क को लगाकर खुद को व अपने परिवार को कोरोना से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति ये बाहर निकल रहा है बिना मास्क के, कह रहा है कि भैया मुझे तो थोड़ी दूर तक ही जाना था, क्या लगाऊं, मुझे दम घुट रहा है इस मास्क में, भैया मत निकलो घर से बाहर अगर मास्क में दम घुट रहा है तो, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ दोस्तों अपने घर में रहें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। ऑफिस में भी आए तो अपने ऑफिस में सैनिटाइज करें, फिर उसके बाद मास्क को ना उतारें। करीब कम से कम 6 मीटर की दूरी तो बनाएं, 6 मीटर की नहीं बनती तो 1 मीटर, 3 मीटर की, 3 मीटर तक की तो बनाएं कम से कम। दोस्तों, ये मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कृपया करके गलती ना करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अनलॉक ख़त्म हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद।